बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, राना एसोसिएट के प्लेटफॉर्म पे मैं ये आपको एक घर दिखा रहा हूँ, ग्रे स्ट्रक्चर जिसका तैयार हो रहा है, और ये एक दो दिन में इंशाल्लाह दूसरे इसके फर्स्ट फ्लोर पे भी लेंटर डलेगा। इसके नीचे दो रूम है और बाकी स्पेसिफिकेशन जो ड्रीम गार्डन लाहौर में होती है वही है। तो ये मेरे साथ मेहताब साहब खड़े हैं, ये इसको ये हैंडल कर रहे हैं और इन्हीं की ये इन्वेस्टमेंट है। तो आप जो है ना, इसको हम आपसे यही डिस्कस करना चाहते हैं कि इसकी प्राइस रिगार्डिंग ये जो मांग रहे हैं वो आपको बताते हैं, और इसको किस तरह जो है ना वो कितने दिनों में तैयार करेंगे, और अगर कोई दोस्त पहले कोई प्री मीटिंग करना चाहता है तो इसको फिर उस तरह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वो अपनी मर्ज़ी पे कोई काम करवाना चाहता है तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। जी मिताब भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आके भाई। बेसिकली हम लोग, ये हमारी 5 मरला की कंस्ट्रक्शन की साइट है, तो ये दो इसके दोनों तरफ आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि घर बने हुए। तो हमने इसको डिज़ाइन ये किया कि हमने ड्रीम गार्डन में जो ऑलरेडी पैटर्न चल रहा है उससे थोड़ा सा हट के हमने पैटर्न यूज़ किया है। इसमें हमने इसकी सीढ़ी जो है वो गराज के अंदर से दी है, और पीछे दो रूम्स किए हैं हमने, किचन किया है, ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज किया है, और बाकी हमारा गराज है। तो हमने बेसिकली सीढ़ी इंडिपेंडेंट कर दी है, और हम देख रहे हैं हमारा काम इंशाल्लाह 2 दिन तक हमारा लेंटर के करीब रेडी टू हो जाएगा लेंटर के लिए। और उसके अलावा हम लोग अव्वल ईंट यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट वे का सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, और बाकी सारा ग्रेड 60 सरिया जितना भी यूज़ हुआ है हमारा, स्टील ग्रेड 60 हमने इत्तेफाक का यूज़ किया है 4 फुटर का, और लेंटर में 300 फुट का भी यूज़ किया है, 4 और 3 फुटर का यूज़ किया हमने। तो अभी तक जो है वो हमने सारी प्लानिंग तो की हुई है ACs के लिए और हर चीज़ के लिए, इवन CCTV कैमराज के लिए भी। तो हम हमारा ये प्लान है कि हम इसको इंशाल्लाह 2 महीने में फिनिश कर देंगे मज़ीद। तो उसके बाद बाकी ये है कि हम प्री मार्केटिंग भी कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टी अपना कोई कस्टम रिक्वायरमेंट लेके आती है तो अभी तक कितना रूम है कि इसमें कस्टम कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, यानी कि आप उनकी मुताबिक जो वो कस्टमाइज चाह रहे हैं उसको आप करके दे सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी इसमें काफ़ी रूम है कि हम अभी भी इसमें अच्छा इसमें चीज़ें कर सकते हैं। आपसे एक सवाल, इवन फिनिश के टाइम पे भी उनकी कस्टमाइजेशन एलिवेशन वगैरह को किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा एक सवाल ये है कि जो सबसे आम चीज़ होती है कि इसकी प्राइस रिगार्डिंग आपको क्या एक्सपेक्ट है कि मार्केट के लिहाज से आप इसकी क्या प्राइस जो है ना अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इन द मार्केट, जो अब तक हमारी एस्टीमेशन कॉस्ट थी उससे तो हम तकरीबन 10% ऊपर निकल चुके हैं अभी तक। ठीक तो है। हमारा अभी 160 का इसको है फिनिश करके, रेडी जो फिनिश जो है रेडी टू यूज होगा या लिव होगा, फिनिश जो फिनिश जिसको कहते हैं हम, जिसमें वुड वर्क और हर चीज़ कंप्लीट होगी, टाइल वर्क, वॉशरूम्स की, किचन की हर चीज़ कंप्लीट होगी, लाइटिंग होगी उसमें, तो वो हमारा 160 तक माइंड है। ठीक है। और अगर कोई ग्रे स्ट्रक्चर में आना चाहे कि ग्रे स्ट्रक्चर ही परचेज करना चाहे तो वो हमारा 130 तक है। चलें व्यूवर्स, आप इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो हम आपकी जो है ना मिताब साहब से मीटिंग करवा देंगे और बाकी चीज़ें फिर खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी।